चाचा ये क्या मांग रहे हो बकरे का? 1.5 लाख। हैं? 1.5 लाख? ये मंडी इस दफा बहुत चढ़ी हुई है। क्या करो, हुकूमत हम पे चढ़ी हुई है। मैं जा रहा हूँ। हाँ तो भाई, क्या हाल आप सबके? वेलकम बैक हो गया आप सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फनी वीडियोस की सीरीज के इस पार्ट में भी हम आप लोगों के लिए चुन चुन कर पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मुर्शिद, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुर्शिद, मुर्शिद किधर गए? हेलो मुर्शिद, क्या हाल है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर से अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो। तो दोस्तों, इस पहली क्लिप में जरा आप इस बंदे की शॉट चेक करें। और यार, जरा आप लोग इस बंदे को देखें कि जिसके सर के ऊपर मिट्टी की बारिश हो जाती है। नो 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 नो। और यार, जरा आप लोग इस बंदे को भी देखें कि जिसकी वजह से दुकान वाले के साथ सीन हो जाता है। आहा। और यार, सीरियस में ये क्लिप देखने के बाद तो मैं खुद भी बहुत हंसा कि जब ये पुलिस वाले इस चोर से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, तो वो आगे से कहते हैं कि भाई चोरी करने आए थे, कोई नमाज पढ़ने थोड़ी आए थे। और यार, अब जरा आप लोग इस बेल की दहशत भी चेक करें। सलाम अलैकुम। तो यार, सबसे पहले तो आप इस लड़के का स्टंट चेक करें। वाओ, वेरी डेंजरस। और यार, अब जरा आप हमारे इन मोटू भाई का भी स्टंट देखें। और दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जरा आप इस पाकिस्तानी का गाना भी सुने। कोई खोता रंग कीता एक गम सजना दा उतराने तंग कीता। और दोस्तों, इस वीडियो में जरा आप इस बंदे को नहर के ऊपर झूला खाते हुए देखें। झूला भी लाइक, जाओ परा दफाओ। और यार, इन पाकिस्तानियों ने सोचा कि क्यों ना ट्यूब वेल के ऊपर फ्लोटिंग लंच किया जाए, लेकिन यार कोई पीछे से मोटर चला देता है। और यार, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस मौलवी साहब ने जोश में ऐसा किया है या इस बंदे से कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है। और यार, पाकिस्तान के हालातों पर तो इस बंदे की सही शो वाली हटी हुई है कि जब ये बंदा इससे पूछता है कि अगर आपको वजीरे आजम बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आइए जरा सुनते हैं। तुम्हें अगर इस मौजूदा सूरत हाल पे वजीरे आजम बना दें, हाँ, तो सबसे पहले क्या करोगे? कम से कम भी जो ना 400 आदमी रोज मारूंगा, चाहे बाद में पीऊंगा, पहले वो 400 आदमी मारूंगा मैं, वो जितने भी सरकारी वकील वजीर ये सब 400 बंदे, सुबह ही सुबह डेली नाश्ता बाद में, पहले उनको सजाए मौत, अल्लाह अकबर, डालो सालों को। और यार, लोगों को न जाने कौन कौन से नशे चढ़ते हैं, लेकिन इस पाकिस्तानी को तो कवाली का नशा चढ़ गया है। और यार, जरा आप लोग ये ऑलराउंडर मिस्त्री भी चेक करें, जो कि मिस्त्री के साथ साथ डांसर भी है। मजा आया। और यार, ये लोग टूटी हुई कुर्सी को सेंटर में रख देते हैं, तो जैसे ये बंदा आकर इस पर बैठता है तो हो जाता है सीन। और यार, पाकिस्तानियों के मुताबिक चलती का नाम गाड़ी है, कि भाई जब तक चल रही है तो चला के रखो। कौन है? रुक। और यार, जरा आप लोग इस बंदे की भी सुने कि आखिर ये वोट किसको देगा। जेड़ा मेरी शादी करवाएगा, जेड़ा सनासी कार्ड बनवाएगा, उन्हें वोट देवांगे।
और यार सब छोड़ो, जरा आप लोग इस वीडियो में देखो कि असल सीन तो इस बंदे के साथ हो जाता है। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। और दोस्तों जरा आप लोग इस आदमी का डांस भी चेक कर रहे हैं, यार आज तो ये बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहा है। और यार जरा आप लोग इस मांगने वाली औरत को भी देखें कि जो कि शायद यही भूल जाती है कि ये माजूर है। तो यार ये औरत तो चले भूल जाती है ना कि ये माजूर है, लेकिन इस आदमी को तो पंजाब पुलिस खुद बुलवा देती है। और जब मेरे स्विमिंग पूल जाने के लिए तरसे हुए दोस्त स्विमिंग पूल पहुंचे तब खुशी के मारे उनका डांस। और यार जरा आप लोग इस बंदे को भी देखें कि जो कि इस राइड पर खड़ा तो हो जाता है, लेकिन इसकी गारंटी मेरी है कि अगली बार ये सेफ बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेगा। और दोस्तों जरा आप इन लोगों को भी देखें कि जिन्हें फ्रिज लेकर जाने के लिए किसी बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, भाई ये काम तो ये अपनी बाइक पर भी कर सकते हैं। नहीं, इस तरह कौमें नहीं बनती, कौमें बनती हैं तो अपना उधार पर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। कौमें किस तरह बनती हैं? और इस वीडियो में जरा आप लोग इस गजनी भाई साहब की कटिंग भी चेक करें। और अब आप देखें कि जब इस बंदे से पूछा जाता है कि ये समंदर का पानी हिलता क्यों है, तो जरा आप इसका जवाब सुने। सवाल पूछेंगे, ये समंदर का पानी जो है ये हिलता क्यों है? क्योंकि ये खड़ा खड़ा बोर हो जाता है। और ये लड़का इस रक्षे में बैठे हुए आदमी से पूछता है कि भाई उतरना है, तो वो आगे से कहता है नहीं, लेकिन यार ये शायद इसे उतारने की कसम खा के आया होता है। भाई उतरना? नहीं उतरना। पहला दे चल ना पर। और यार अब आपको ये लोग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के बारे में भी बताएंगे। दुनिया में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? पता जी भाई, पेशावर। तो अब आप देखें कि ये बंदा डांस करने में कुछ ज्यादा ही मगन हो जाता है, तो इस तरह के कामों में ऐसा तो होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।